Hello students, today in accountancy we'll go through this topic of basis of accounting. अभी तक हमने accounting principles, accounting assumptions पढ़ लिया था. अब हम यहाँ सीखेंगे कि accounting को maintain करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं और किस basis पे हम उनको maintain करते हैं. So there are two basis of ascertaining profit and loss, you know, in terms of accounting, which is one is cash basis and the second is accrual basis. कैश बेसिस अगर हम जनरली बोले तो कैश बेसिस वहाँ होता है जहाँ पर हम सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो हमने कैश में खरीदी या बेची है. एक्रुअल बेसिस में हम उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो चाहे कैश में खरीदी हो या उधार में खरीदी हो या बेची हो. क्लियर? तो अब हम डीपली फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. दिस इज वन पर्टिकुलर वन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर वी यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस हु आर ओनली इन द कैटेगरी ऑफ कैश. मतलब अगर आपने कोई चीज कैश में खरीदी है या कैश में आपने बेची है तो ही आप उनको रिकॉर्ड करोगे. अगर आपने कोई चीज खरीद ली है और या आपने उसकी पेमेंट कर दी है लेकिन कैश में अभी नहीं की है तो आप वेट करेंगे कि अब आप उसको अगर उधार में अगर आपने कर लिया है ट्रांजेक्शन को कंप्लीट तो यू विल नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस इन योर अकाउंटिंग बुक्स. आप वेट करेंगे कि वो कब कैश में कन्वर्ट होगा या कैश अब आप कब पे करेंगे या कैश कब रिसीव होगा. सो रिसीव होने के बाद या पेमेंट होने के बाद तभी आप उसको जो है रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज तब तक आप उसका वेट करेंगे. सो द इनकम इज कैलकुलेटेड एज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश. तो इसमें क्या हो जाता है कि आप तो ये अज्यूम करके चलते हो कि इनकम कितनी हो रही है, आपने देख लिया जितना कैश बचा है उतनी इनकम हो गई. सो द एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश इज योर इनकम ओवरऑल कैलकुलेटेड एज इन. ठीक है, अब एंट्री, जैसे कि हमने आपको बोला कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो आपने अभी तक पे नहीं किए या कोई भी एक्रूड इनकम है जो कि अभी तक मिली नहीं है, उनको आपको ट्रीट नहीं करना है, उनको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है. तो इस कैश बेसिस में क्या होता है, आप मैचिंग प्रिंसिपल को आप यहाँ पर क्या कर जाते हो, डिसएग्री कर जाते हो, उसके अगेंस्ट चले जाते हो. मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि जिस महीने का खर्चा है उसी महीने में रिकॉर्ड कर दो, चाहे अभी आपने उसको पेमेंट की है नहीं करी है, पेमेंट करने तक का वेट नहीं करोगे. अगर अप्रैल मंथ का खर्चा है तो अप्रैल मंथ में ही दिखा दो. तो यहाँ पर ये इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है. इसी वजह से कैश बेसिस को हम बहुत ही रेयर या फिर हम इसको यूज ही नहीं करते, या कोई छोटे मोटे बिजनेस में हम कैश बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वेन यू एक्चुअली रनिंग अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस और यू आर रनिंग अ कंपनी देन यू कैन नॉट यूज दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कैश. Now second is your accrual basis of accounting. देखो ये एक ऐसा accounting system है जहां पर जब revenue या expenses recognized हो जाते हैं तभी उनको record कर लिया जाता है. हम wait नहीं करते कि वो cash में कब convert होगा या उसके बदले हमें cash कब receive होगा. Cash से कोई लेना देना नहीं है, जिस महीने का जिस time का वो खर्चा है उसी में वो उसको दिखा दो. This is what accrual basis of accounting. Okay? तो इसमें क्या होगा, जो भी expenses हैं चाहे वो expenses आपने अभी उसकी पेमेंट की या नहीं की, आप उनको रिकॉर्ड करते चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कैश पे किया या नहीं किया. ओके, अंडर द सिस्टम एक्सपेंसेस सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड रिसीव्ड इन एडवांस आर आइडेंटिफाइड एंड टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है, मतलब कोई भी आपकी एडवांस में पेमेंट अगर आ गई है, ओके, या आपकी प्रीपेड कोई एक्सपेंसेस हो गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनको आप अपने कंसिडरेशन में लेंगे, आप इनको रिकॉर्ड करेंगे, बट आउटस्टैंडिंग को तो आप उसी महीने में दिखा देंगे जिस महीने में आपका वो खर्चा रिलेट करता है. अगर वो आपका मार्च मंथ का खर्चा है तो मार्च में दिखाओ, अप्रैल का वेट मत करो. आप उसे आउटस्टैंडिंग के रूप में उसको वहां दिखा दो. जब कैश रिसीव होगा तो कैश इनटू कैश अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके आप उसको कैश की एंट्री रिसीव दिखा देना, लेकिन खर्चा आप उसी मंथ में दिखाओगे. क्लियर? सो आपके जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 है वहां पर ये बोला जाता है कि आपको अपना अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड सिर्फ एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली ही करना है. सो कैश बेसिस को जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हम इतनी प्रेफरेंस नहीं देते. अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. इफ यू हैव टू गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले तो जो आपका डिफरेंस का पहला जो आपका बेस है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. ठीक है, एक्रुअल बेसिस में कैश में ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो, रिकॉर्ड हो जाती है.
कैश में, कैश बेसिस पे सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जिनका लेन देन कैश में हुआ है, जो उधार में लेन देन हुआ है उनको नहीं रिकॉर्ड कर सकते। प्रॉफिट और लॉस देखो, आपके एक्रुअल बेसिस में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिल्कुल करेक्ट निकल के आता है। क्यों? क्योंकि सारे खर्चे आपने कैश पे नहीं छोड़ दिए, जिस महीने का खर्चा, जिस टाइम का खर्चा वहीं पे आपने दिखा दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल करेक्ट निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो करेक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि आप कैश का वेट करते हो। अब वो खर्चा इस साल का था, लेकिन आपका कैश मिला अगले साल, आपने उसको अगले साल दिखा दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक गलत प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज कर रहे हो। थर्ड इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। देखो, दिस मेथड मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। इसमें क्या हो जाता है, आपका इस मेथड के जरिए जितने भी कैपिटल या रेवेन्यू आइटम्स है उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, देयर इज अ डिस्टिंक्शन, उनको अलग अलग मान के चला जाता है। लेकिन कैश बेसिस में दोनों को सेम माना जाता है, जो कैश में रिसीव हो रहा है उसको पहले रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, जो नहीं हो रहा है उसको नहीं किया जाएगा, दोनों को सेम कैटेगरी में मान के चला जाता है, चाहे वो कैपिटल आपका कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंस हो या आपका रेवेन्यू नेचर का कोई एक्सपेंस हो। ओके, लीगल पोजीशन अगर हम देखें तो कंपनीज एक्ट में ये जो एक्रुअल बेसिस है ये रिकॉग्नाइज्ड है, यानी इसको लीगली सही माना जाता है, लेकिन कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट के अंदर सही नहीं माना जाता, इट इज नॉट लीगली करेक्ट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, किस तरीके से कौन कौन सी स्टेप्स करके आप अकाउंटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपकी होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कि अगर आपको कोई रिकॉर्ड करना है कुछ तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दो कि किस किस तरीके के ट्रांजेक्शन होंगे, क्या खर्चे आपके हो सकते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, सेल से पैसा आएगा या आपके कोई इंटरेस्ट से पैसा आएगा, आपको जहां से भी आपका पैसा आएगा ना उस सारी तरीके की ट्रांजेक्शन को आप आइडेंटिफाई कर लो, और पैसा आने की नहीं पैसा जाने की भी, यानी खर्चे कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर लो। रेंट में जाना है हमारा खर्चा, सैलरी में जाएगा, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, फर्नीचर में खर्चा होने वाला है, सारे तरीके के ट्रांजेक्शन पहले आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई के बाद फिर अब आपके प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स आता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन यू नो विल टेक प्लेस आप उनके वाउचर्स बनाते चले जाओगे, बिकॉज एवरी टाइम इन बिजनेस यू नीड अ प्रूफ ऑफ ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। अगर आपने कोई भी खर्चा किया है उसका वाउचर में रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये खर्चा इतने रुपए का हुआ है। सो ऑन द सेकेंड स्टेप व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर द वाउचर्स रिलेटेड टू दैट वन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। थर्ड इज नाउ इफ यू हैव द वाउचर्स, उन वाउचर्स को कलेक्ट करके आप नाउ यू विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी देयर इन द वाउचर्स, यू विल कीप इट इन योर बुक, आप उसमें रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। फोर्थ आपका आता है पोस्टिंग इनटू जर्नल। अब देखो, रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो हम रैंडमली जो भी हमारी चीजें होती जाती है सबको रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, हम वेट नहीं, हम ये नहीं बोलते कि सेल्स को हम एक साथ करेंगे या हम आपके सैलरी को एक साथ करेंगे, नो, जैसे जैसे आप खर्चे करते चले गए आप रिकॉर्ड करते चले गए, जैसे जैसे पैसा आता चला गया आप रिकॉर्ड करते चले गए, तो इसमें क्या होता है सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। फोर्थ स्टेप आपको बोलता है कि अब एक जैसे खर्चों को या एक जैसे रेवेन्यूज को एक ग्रुप में रख दो, यानी सेल्स के सारा पैसा एक ग्रुप में रख दो, एक अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दो, आपका मशीनरी का जितना खर्चा है उसको एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, रेंट से कितना जितना खर्चा आ रहा है उसको एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो पोस्टिंग इज बेसिकली सेपरेटिंग द वन ग्रुप ऑफ सेपरेटिंग ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू दैट वन पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप की सारी एक्टिविटीज को हम एक जगह सेपरेट कर देते हैं। फिफ्थ इज योर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आपने सब सारे खर्चे एक जैसे खर्चों को एक तरफ रख दिया, वहां से आपको पता चल गया कि पूरे साल का रेंट का खर्चा इतना है, पूरे साल की सैलरी का खर्चा इतना आ गया है, और सेल्स पूरे साल की इतनी हुई है, तो सारे सेपरेट सेपरेट जो अपने खर्चे कर लिए आप उनकी एक लिस्ट बनाएंगे जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, और उस लिस्ट से नाउ यू विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि अब आपके प्रॉफिट क्या है और आपका लॉस क्या है, ठीक है, एंड देन फॉलोड बाय योर बैलेंस शीट वेयर यू विल शो द स्टेटस ऑफ योर बिजनेस। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर।